तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी छात्रों को जानकारी बताना चाहेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से संबंधित समस्त महाविद्यालय में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर के जो रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र हैं जिन्होंने सत्र 2021 में एग्ज़ाम दिया था और उन्हें सप्लीमेंट्री आई थी, तो उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो भरना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं और साथ ही आपको जो है कहाँ से ये फॉर्म फिल करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताना चाहेंगे। इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर जो है आप पीडीएफ जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीडीएफ आपके सामने आ जाता है, इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर ये पीडीएफ आ चुका है। आप इस पीडीएफ को ओपन कर जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि 7/9/2022 को यहाँ पर जारी किया गया है। हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इस पीडीएफ को ओपन करते हैं यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले हम इसे पीडीएफ में ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंधित समस्त महाविद्यालय जिसमें वार्षिक पद्धति स्नातक स्तर के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर करके बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम वर्ष का अभी रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है, तो प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। केवल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जहाँ पर BA, BSc नियमित एवं प्राइवेट, BHSc, BCom ऑनर्स, BBA, BCA के विद्यार्थी यहाँ पे अपना सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म है वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे जो डेट है फॉर्म भरने की वो डेट भी यहाँ पे दी गई है, आप सबसे पहले नंबर के ऑप्शन पर देख सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10 सितम्बर से 30 सितम्बर तक यहाँ पर रखी गई है। यानी आप 10/9/2022 से 30/9/2022 तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म बिना लेट फीस के भर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, अगर आप किसी कारणवश 30 सितंबर तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आप ₹100 के अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर आप ₹750 के शुल्क के साथ फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर फिर भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो परीक्षा के एक दिन पहले तक आप ₹2000 अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद जिन छात्रों ने पुनर्गणना के लिए फॉर्म या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म फिल किया है और उनका जो रिजल्ट है अभी संशोधित होने वाला है, तो इसके लिए जो लिंक है वो जो आपका संशोधित रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के 5 दिन तक जो है यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी। उस लिंक से आप बिना विलंब शुल्क के साथ जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। जिन भी छात्रों ने पुनर्गणना के लिए या पुनः मूल्यांकन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन किया है, उनका रिजल्ट जैसे ही प्रकाशित होता है उसके 5 दिन तक आप जो है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ आप जो फॉर्म फिल करते हैं इसकी 2 प्रतियों में आपको जो है अपने कॉलेज में जमा करना होता है। कॉलेज में जमा करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया जाता है। तो समस्त छात्र जो कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंधित किसी भी शासकीय महाविद्यालय इसके साथ साथ नियमित एवं प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो सभी अपना यहाँ पे स्कॉलर जो परीक्षा फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं।